अब मैं आप लोगों को जरा एक लिस्ट दिखाता हूं जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप देखने को मिलेंगे। कौन है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रो करता है, अपनी तरफ खींचता है? तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप कौन से होते हैं वो अपन देखते हैं। चलो लेट्स डू इट देन। इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप कौन से होते हैं देखे, आप देखना चाहते हो, आई विल शो यू। तो चलो मैं आपको इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप दिखाता हूं। ये है इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ। ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, जरा समझना। इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है सबसे ज्यादा? नाइट्रो। उसके बाद किसका नंबर आता है? साइनाइड। उसके बाद किसका नंबर आता है? फ्लोरीन। उसके बाद किसका आता है? CWH। फिर किसका आता है? कार्बोनिल। फिर किसका आता है? क्लोरीन। फिर किसका आता है? क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन। फिर किसका आता है? आयोडीन। फिर किसका आता है? OH। फिर OR। फिर C6H5। फिर ट्रिपल बॉन्ड। फिर डबल बॉन्ड। ये उल्टा हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड एंड देन यहां पर ट्रिपल बॉन्ड। नहीं, सही लगा हुआ है, सॉरी, सही लगा हुआ है, आई एम सो सॉरी। ट्रिपल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल बॉन्ड की sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होती है। ट्रिपल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड देन हाइड्रोजन। ये लिस्ट है जो आपको ध्यान रखनी है। दोबारा बताता हूं, ये ऐसे ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। तो समझो, यहां पर अगर कोई कार्बन चैन लगी हुई है, चल क्यों नहीं रहा, ये कोई कार्बन चैन है, तो इससे आप यहां पर एक ग्रुप लगाओ, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगाया, जो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। आया समझ में? कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप? एक है NO2, ये बहुत जबरदस्त खींचती है। फिर उसके बाद साइनाइड, फिर उसके बाद फ्लोरीन, फिर उसके बाद CWH, फिर उसके बाद CO, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर OH, फिर OR, फिर C6H5, जिसको बेंजीन फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। ये लिस्ट है, क्लियर है सब लोगों को? तो ये सारे ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होते हैं, जो खींचते हैं। समझ में आ गया सबको?